वेलकम टू यासर्स लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ेंगे। टू डायमेंशनल एरेज में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, तो आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल एरेज को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, और उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे को समझेंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद हम ये देखेंगे कि हम टू डायमेंशनल एरे को किस तरह एक्सेस करें। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स एरेज के किस तरह हम एक्सेस करते हैं, और तमाम तर एलिमेंट्स को लूप्स के थ्रू हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो ये दोनों मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल एरेज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के इन तमाम तर टॉपिक्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें पहले से कुछ चीज़ों के बारे में पता हो। मसलन हमें पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल एरे क्या है, और नेस्टेड फॉर लूप्स किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स को पहले नहीं पढ़ा तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वन डायमेंशनल एरे और नेस्टेड फॉर लूप की वीडियोज़ को पहले ज़रूर देखें, और फिर टू डायमेंशनल एरे की इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। टू डायमेंशनल एरे क्या है? बेसिकली इट इज़ एरे ऑफ एरेज। एरे के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। एरे क्या है? ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। तो हम एरे को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक ही टाइप के लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना हो। मसलन अगर हमारे पास बहुत सारे इंटीजर नंबर्स हैं, उन्हें हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं और प्रोसेस करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और उन्हें मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? एरेज। टू डायमेंशनल एरेज को हम 2D एरे भी कहते हैं शॉर्ट में। और टू डायमेंशनल एरे को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा डेटा हो जो मैट्रिसेस या टेबल फॉर्म में हो इन रियल लाइफ, और उस डेटा को हम प्रोसेस करना चाहें कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम्स में, तो हम फिर प्रीफर करते हैं 2D एरेज को। मसलन यहाँ पर देखें कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको जब हमें प्रोसेस करना होगा कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो हम प्रीफर करेंगे 2D एरेज को। इसको और आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर रियल लाइफ में हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है जो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्मेट में, तो उस डेटा को अगर हमें कंप्यूटर में प्रोसेस करना हो तो हम 2D एरेज को प्रीफर करते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो ये देखें कि मैट्रिक्स इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो इसको हम इस तरह से टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस तरह का जो डेटा होगा उसे अगर हम कंप्यूटर में प्रोसेस करना चाहें तो हमें 2D एरेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखें, ये जो हम ऊपर नंबर बता रहे हैं 0, 1, 2, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स को। 0 कॉलम, 1 कॉलम एंड कॉलम नंबर 2। इसी तरह से ये जो 0, 1, 2 नंबर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो इंडेक्स को। तो जब हम वन डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंडेक्स नंबर होते हैं, लेकिन वहाँ सिंगल इंडेक्स नंबर होता है। यहाँ पर जब हम 2D एरे की बात करते हैं तो हमें दो इंडेक्स नंबर्स चाहिए। एक को हम कहते हैं रो इंडेक्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉलम इंडेक्स। और जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया कि टू डायमेंशनल एरे क्या है? एरे ऑफ एरेज। तो ये देखें, बेसिकली ये जो टू डायमेंशनल एरे है, तो इट इज़ कम्पोजिशन ऑफ 3 एरेज। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कि जो फर्स्ट हमारे पास रो है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन डायमेंशनल एरे में, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड इंडेक्स नंबर 2। तो ये देखिए 3 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं इस एरे में। फिर जो सेकेंड रो है, ये एक और वन डायमेंशनल एरे, और ये थर्ड रो है, ये एक और वन डायमेंशनल एरे है। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 वन डायमेंशनल एरेज हैं। जब इन्हें हमने कंबाइन किया तो हमें एक 2D एरे मिल गई। अच्छा, मैट्रिसेस के अलावा हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर रियल लाइफ में आपके पास कोई डेटा टेबल फॉर्मेट में, तो उसको भी आप 2D एरे की मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज करें कि आप स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं जिसमें उनके रोल नंबर्स, उनके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स और टोटल मार्क्स शामिल हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सैम्पल डेटा शेयर किया हुआ है। तो रोल नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं, ये स्टूडेंट्स के सीट नंबर या रोल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह उनके इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हमने मार्क्स ये स्टोर किए हुए 3 कॉलम्स में, और आखिरी कॉलम में हमने टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। मसलन रोल नंबर 1 पे जो स्टूडेंट है उसके इंग्लिश के मार्क्स 60 हैं, मैथ में 50, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 70,
और टोटल मार्क्स कितने बने 80। अब इस तरह का डेटा अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोसेस करना चाहें, स्टोर करना चाहें, तो अगर इस डेटा को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया जाएगा तो इतने सारे वेरिएबल्स को क्रिएट करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वन डायमेंशनल एरे। अगर हम वन डायमेंशनल एरे में स्टोर करेंगे तो हमें डिफरेंट एरेज क्रिएट करना होंगी, जितने कॉलम्स हैं हम उतनी अलग अलग एरेज क्रिएट कर लें वन डायमेंशनल। तो यहाँ पे 5 कॉलम है तो 5 वन डायमेंशनल एरेज क्रिएट कर लें और उनमें डेटा स्टोर करें। तो इस सिचुएशन में हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स और वन डायमेंशनल एरेज के बजाय 2 डायमेंशनल एरेज को तरजीह देते हैं। तो अगर ये डेटा हमें 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर करना हो तो उसके लिए जो हम एरे क्रिएट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। यानी यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल 5 कॉलम्स हैं और रोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 से 5 तक टोटल हमारे पास 6 रोज हैं। और यहाँ पे देखिए हमने कुछ नंबर्स अंदर दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हम इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। एक को हम कहेंगे रो इंडेक्स और सेकेंड जो हमारे पास इंडेक्स होगा उसे हम कहेंगे कॉलम इंडेक्स। तो अगर हमें इस लोकेशन को एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉलम इंडेक्स भी 1 है और रो इंडेक्स भी 1 है। तो इस लोकेशन पे जो डेटा होगा उसे एक्सेस करने के लिए हमें रो इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 1 को इस्तेमाल करना होगा। तो इन इंडेक्स नंबर को मैं मजीद तब एक्सप्लेन करूंगा जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम 2 डायमेंशनल एरेज को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होगा, डेटा टाइप के बाद एरे वेरिएबल का नाम, उसके बाद रोज एंड कॉलम्स। तो आइए सिंटैक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप की जगह पे हमने INT लिखा यानी इंटीजर वेरिएबल, और वेरिएबल नेम की जगह पे हमने यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखा है फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में 3। यानी हम जो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कुछ इस तरह से एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी मेमोरी में, जिसमें आपके पास टोटल 9 लोकेशंस होंगी, यानी आप 9 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो साइज या कैपेसिटी हम कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला ये है, आपने यहाँ जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई है और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपने नंबर दिया है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि इस एरे में आप कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है और इसमें रो इंडेक्स 0, 1, 2 है और कॉलम इंडेक्स भी 0, 1, 2 है। आइए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा INT स्टूड डेटा, ये एरे वेरिएबल का नाम है, 6 फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है और सेकंड में 5। तो यानी हम एक ऐसी एरे क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें टोटल जो कैपेसिटी होगी वो होगी 30 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने की, 6 × 5। तो इस एरे को हम कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसमें देखें टोटल 0 से लेकर 5 तक 6 रोज हैं और 0 से 4 तक 5 कॉलम्स हैं। तो इस एरे को हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट डेटा स्टोर करने के लिए। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा रोल नंबर के लिए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम जो होगा ये तीनों कॉलम्स मार्क्स के लिए, और लास्ट जो कॉलम होगा ये टोटल मार्क्स को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किस तरह से करें। इनिशियलाइजेशन को समझने के लिए पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर मैट्रिक्स ए 3x3, यानी एक हमने 3x3 का मैट्रिक्स डिक्लेयर किया हुआ है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, लेकिन इसमें कोई वैल्यूज मौजूद नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम ये एरे डिक्लेयर करें तो हम कुछ ना कुछ वैल्यूज भी दे दें और वो वैल्यूज यहाँ मौजूद हों। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देंगे, इक्वल साइन और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे और उसमें फर्स्ट रो का डेटा हम देंगे और कर्ली ब्रैकेट ओवर करके कॉमा देंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 फर्स्ट रो में स्टोर हो जाएंगे 2, 4, 6। उसके बाद हम कॉमा देंगे और फिर सेकंड रो के लिए डेटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सेकंड रो के लिए जो डेटा दिया है 1, 3, 5, तो ये यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से कॉमा देके हम थर्ड रो का डेटा देंगे 7, 8, 9, तो यहाँ 7, 8, 9 स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली हमने कर्ली ब्रैकेट ओवर की, यानी ये जो हमने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट दी है उसकी क्लोजिंग यहाँ हम कर रहे हैं एंड देन सेमीकोलन। तो इस तरह से आप किसी भी 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब आप किसी 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं ये साइज देना आपके लिए ऑप्शनल है। तो यानी अगर आप ये जो 3 है ये मेंशन ना भी करें तब भी इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। यानी आप इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही काम करेगी और ये एरे इनिशियलाइज हो जाएगी। और इसके अलावा याद रखें कि मैंने आपको बताया कि एरे कैपेसिटी किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स।
तो आपके पास यहाँ पे जो रोज की वैल्यू होगी और जो कॉलम्स की वैल्यू होगी उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। तो मसलन इस एरे की जब हम बात करते हैं तो रोज की तादाद भी 3 है और कॉलम्स भी 3 हैं, तो 3x3 तो टोटल 9 एलिमेंट्स हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ये काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो टोटल 9 एलिमेंट्स हम इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए और वो है साइज ऑफ द एरे, या जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है एरे तो वो कितनी है। तो एरे की साइज मेमोरी में कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि एरे कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ सिंगल एलिमेंट, यानी यहाँ पे हम जो सिंगल एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं ये कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें ओवरऑल जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं इस एरे में उसके साथ। तो फर्ज करें कि इस एरे में एक इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट्स दरकार हैं, तो टोटल जो साइज होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल इस एरे की जो साइज होगी मेमोरी में वो होगी 36 बाइट्स। तो आइए अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि एरे में ये जो एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं इन एलिमेंट्स को हम किस तरह से एक्सेस करें। तो जिस तरह से हम वन डायमेंशनल एरे में इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, तो उसी तरह से टू डायमेंशनल एरे में भी हम इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि हमें दो इंडेक्स नंबर चाहिए, एक को हम कहते हैं रो इंडेक्स और सेकंड को हम कहते हैं कॉलम इंडेक्स। तो आइए देखते हैं कि हम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को यूज़ करते हुए किस तरह से टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इंडिविजुअली या रेंडमली किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं या एरे की किसी एक लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि आप तमाम तर एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं सिक्वेंशियली। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअली किसी एक लोकेशन को एक्सेस करना हो या किसी एक लोकेशन पे रखे हुए डेटा को एक्सेस करना हो तो किस तरह से करें। तो सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट मेंशन कर दी कि एक एरे हमने मेमोरी में डिक्लेयर करवा दी और उसे इनिशियलाइज भी कर दिया, तो ये वैल्यूज एरेज में मौजूद हैं। अब सपोज करें कि हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ परसन डी मैट्रिक्स ए, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है 1 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है 2। तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है रो इंडेक्स को और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम इंडेक्स को, यानी रो नंबर 1 और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आप देखें आउटपुट क्या आएगी, 5, क्योंकि रो इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 2, तो ये जो लोकेशन है ये 1, 2 से रिप्रेजेंट करिए रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 2, तो ये जो वैल्यू है ये एक्सेस हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा कि 5 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम ये लिखते हैं मैट्रिक्स, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है 0 और सेकंड में 2, यानी रो इंडेक्स 0, ये रो इंडेक्स 0 है हमारे पास, और कॉलम इंडेक्स 2 ये है हमारे पास, तो यानी इस लोकेशन पे क्या स्टोर कर दो 10। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस लोकेशन पे वैल्यू आ जाएगी 10 और प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है स्कैनफ परसन डी एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए और फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है 1, तो यानी आपके पास रो इंडेक्स 2, दिस इज रो इंडेक्स 2 और कॉलम इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ पे ये जो 8 लिखे हुए हैं तो स्कैनफ का मतलब क्या होता है, रन टाइम पे आप इनपुट लेंगे यूजर से और जो भी वैल्यू आप रन टाइम पे देंगे वो 8 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी इस लोकेशन पे। तो इस तरह से आप टू डायमेंशनल एरे के किसी भी डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो आइए अब सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। तो रिकॉल करें कि मैंने आपको बताया था कि जब हम टू डायमेंशनल एरे के तमाम तर एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो हमें नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है, तो हम नेस्टेड फॉर लूप की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, सबसे पहले हमने यहाँ एक टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दी, तो ये वैल्यूज हैं एरे की। उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स बनाए रो एंड कॉलम, तो हम दो लूप्स क्रिएट करेंगे, एक आउटर लूप होगा उसमें हम रो को एज ए काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे और जो इनर लूप होगा उसमें कॉलम वेरिएबल को एज ए काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर लूप की स्टेटमेंट दी हुई है कि आउटर फॉर लूप चलेगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, जो आपके रो इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर 2 तक। तो इनिशियल वैल्यू रो की 0 है, रो लेस देन इक्वल्स टू 2, रो प्लस प्लस, तो हर एक आइट्रेशन के बाद रो वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम एक इनर फॉर लूप दे रहे हैं और इनर फॉर लूप कंट्रोल कर रहा होता है कॉलम्स को,
तो कॉलम इंडेक्स कितने यहाँ पे 0, 1, 2, तो इनर फॉर लूप चलेगा 0 से लेकर 2 तक और हर एक आइट्रेशन के बाद कॉलम वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इस इनर फॉर लूप में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रिंट एफ परसेंट डी मैट्रिक्स ए, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने आउटर लूप का काउंटर दे दिया रो और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इनर लूप का जो काउंटर है कॉलम वो प्रोवाइड कर दिया रो एंड कॉल। तो इनिशियली देखें रो वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 और कॉलम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0, तो 0-0 लोकेशन पे जो वैल्यू रखी हुई 2 वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा कॉलम पे आएंगे, कॉलम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 1 और 0-1 पे क्या रखा हुआ है 4 वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह फिर कॉलम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 2 तो 0-2 पे जो वैल्यू है 6 वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आउटकम आएगी फर्स्ट टाइम जब इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो 2, 4, 6 डिस्प्ले हो चुका होगा और जैसे कॉलम वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी तो हम इनर लूप से बाहर जाएंगे और आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर अगेन 1, 0, 1, 1 और 1, 2 पे जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम जब नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएंगे आउटर लूप की तो आउटर लूप की जब वैल्यू हो जाएगी 2 तो सेकंड रो का जो डेटा है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से इस टू डायमेंशनल एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम तर प्रिंट हो जाएंगे और ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो वैल्यूज ये प्रिंट हो रही हैं, ये जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं एक ही लाइन में प्रिंट ना हो बल्कि इस तरह से जैसे इस मैट्रिक्स में शो हो रहे हैं इसी तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो कि पहले 3 नंबर पहली लाइन पे आ जाएं, अगले 3 नंबर फिर दूसरी लाइन पे और आखिरी 3 नंबर तीसरी लाइन पे आ जाएं, तो ये कैसे होगा? तो आइए इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ज्यादा डिटेल्ड एग्जीक्यूशन करते हैं इस प्रोग्राम की ताकि आपको ओवरऑल समझ में आए कि टू डायमेंशनल एरे में से किस तरह से एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कोड हमने दिया हुआ है कि हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बनाए रो एंड कॉलम। उसके बाद आप देखें जैसे ये लूप स्टार्ट हुआ फॉर रो इक्वल्स टू 0 तो रो वेरिएबल में वैल्यू आ गई 0 और ये लूप कब तक चलेगा जब तक रो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी। उसके बाद फॉर कॉल इक्वल्स टू 0 तो कॉल जो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 0 तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू तो हम इनर लूप में आएंगे और इनर लूप में प्रिंट एफ कमांड मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है परसेंट डी बैक स्लैश टी यानी टेप के लिए हम यूज कर रहे हैं और मैट्रिक्स ए फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रो और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉल। तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है 0 और कॉलम की वैल्यू 0 यानी ये कुछ इस तरह से कि मैट्रिक्स ए और उसका जो रो इंडेक्स है 0 और कॉलम इंडेक्स 0 यानी मैट्रिक्स 0-0 रिप्रेजेंट कर रहा है इस फर्स्ट लोकेशन को। तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा स्क्रीन पे शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे टेप लिखा हुआ है तो टेप की वजह से कर्सर 5 स्पेसेस आगे चला जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम कहाँ जाएंगे इनर लूप के इंक्रीमेंट पोर्शन पे तो कॉल वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 का मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास रो 0 है और कॉलम की वैल्यू क्या है 1 तो मैट्रिक्स ए 0-1, 0-1 पे क्या रखा है 4 और ये 4 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और टेप की वजह से कर्सर आगे चला गया। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और इस दफा कॉलम वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2 तो 0-2 तो 0-2 पे क्या रखा हुआ है 6 तो ये 6 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और टेप की वजह से कर्सर आगे मूव कर जाएगा। और उसके बाद हम दोबारा कॉलम वेरिएबल पे आएंगे तो कॉलम वेरिएबल की वैल्यू 2 थी अब क्या हो जाएगी 3 जैसे कॉलम वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में हम इस लूप से इनर लूप से चले जाएंगे बाहर और जैसे हम बाहर जाएंगे तो यहाँ एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ बैक स्लैश एन ये एग्जीक्यूट होगी तो कर्सर यहाँ से कहाँ आ गया नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आउटर लूप खत्म हो रहा है तो हम वापस यहाँ ऊपर आ जाएंगे रो प्लस प्लस तो यानी रो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1 अब वैल्यू हो गई 1 तो दोबारा हम कहाँ आएंगे इनर लूप में आएंगे और कॉलम वेरिएबल की अब वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो अब दोबारा हम इनर लूप में आएंगे प्रिंट एफ कमांड एग्जीक्यूट होगी और मैट्रिक्स ए रो की वैल्यू क्या है 1 और कॉलम वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0 तो 1-0 पे क्या रखा हुआ है 1 और कॉलम 0 तो यहाँ पे 1 वैल्यू रखी हुई है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमने मेंशन किया हुआ है कि हम कौन सी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं मैट्रिक्स ए 1-0। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद हम दोबारा कहाँ जाएंगे इनर लूप के इंक्रीमेंट पोर्शन में और यहाँ पे कॉलम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी अब वैल्यू हो गई 1 तो मैट्रिक्स ए 1-1 पे क्या रखा हुआ है 3 तो वो 3 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। फिर कॉलम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी और वैल्यू हो गई 2 तो मैट्रिक्स ऑफ 1-2 पे क्या रखा हुआ है 5 तो ये 5 यहाँ डिस्प्ले हो गए। अब फिर कॉलम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 3 तो ये लूप से हम बाहर आएंगे और प्रिंट एफ से लाइन चेंज तो यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए। उसके बाद दोबारा हम आउटर लूप पे चले जाएंगे और आपके पास रो की वैल्यू हो जाएगी 2 इस दफा और दोबारा आप इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और कॉलम वेरिएबल की वैल्यू दोबारा क्या हो गई 0 तो अब इंडेक्स नंबर्स क्या बने 2 एंड 0
तो 2 0 पे क्या रखा हुआ है, 7, तो 7 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद कॉलम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई, और 2 1 पे क्या रखा हुआ, 8 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। उसके बाद कॉलम वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2, तो 2 2 यानी हमारे पास इंडेक्स नंबर हो गया, तो 2 2 पे क्या रखा हुआ है, 9, और 9 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। अब कॉलम वेरिएबल की वैल्यू हो गई 3, और जैसे ही कॉलम वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इस लूप से बाहर जाएंगे, और प्रिंट एफ कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगी तो कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ से फिर हम जाएंगे आउटर लूप पे, आउटर लूप पे रो की वैल्यू हो गई 3 और ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम आउटर लूप से बाहर, प्रोग्राम एग्जिट। और ये देखें अब आपके जो नंबर्स हैं बिल्कुल उसी तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं जिस तरह से हमने यहाँ मैट्रिक्स में शो किए हुए हैं। उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम 2 डायमेंशनल एरे के डेटा एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं। 2 डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट्स को मजीद बेहतर तौर पे समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाते हैं मैट्रिसेस एडिशन का। इस प्रोग्राम में हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे, ए, बी और सी। ए और बी मैट्रिसेस में हम यूजर से डेटा एलिमेंट्स इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम 3rd मैट्रिक्स में ए और बी मैट्रिक्स का सम स्टोर करेंगे और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स एडिशन के प्रोग्राम की कोडिंग को समझने से पहले हम इसके आउटपुट को देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम रन हो रहा है, किस तरह से आउटपुट शो कर रहा है, और फिर हम इसकी कोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो एक मैसेज आ गया, एंटर 9 वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो टोटल जो डेटा एलिमेंट्स होंगे इस 3x3 मैट्रिक्स में वो होंगे 9 वैल्यूज। तो यहाँ पे हम कोई भी 9 नंबर्स दे देते हैं रैंडमली, तो मैंने वैल्यूज दे दी 2 2 2, तो फर्स्ट रो का डेटा ये हो गया, सेकंड रो में मैंने दे 3 3 3, इसी तरह से लास्ट रो में मैंने वैल्यूज दे दी 1 1 1, तो टोटल 9 वैल्यूज जब हो जाए तो आप एंटर प्रेस करें। इन तमाम तर वैल्यूज को हमने स्पेस से सेपरेट किया हुआ है। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो मैसेज आ जाता है एंटर 9 वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स बी। तो अब हम मैट्रिक्स बी के लिए 9 वैल्यूज देते हैं, 6 6 6 7 7 7 4 4 4, आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, ये मैंने कुछ सैंपल वैल्यूज दी हैं। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी इज शोन बिलो। तो यहाँ पे देखें जो मैट्रिक्स 1 है और मैट्रिक्स 2 है यानी ए और बी मैट्रिक्स, उन दोनों की एडिशन परफॉर्म हो गई और लास्ट में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो था वो बिल्कुल मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट रो में जो वैल्यूज आ रही हैं 8 8 8, यानी 2 प्लस 6 2 प्लस 6 2 प्लस 6, फिर सेकेंड रो का डेटा आ रहा है 3 प्लस 7 3 प्लस 7 3 प्लस 7, यानी 10 10 10, और लास्ट रो का डेटा आ रहा है 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4, जो कि आ रहा है नीचे 5 5 5। तो आइए अब इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉइड मेन स्टार्ट करने के बाद हमने ये 3 मैट्रिसेस क्रिएट किए हुए हैं, ए मैट्रिक्स 3x3 यानी 3 रोज 3 कॉलम्स, बी मैट्रिक्स 3x3 3 रोज और 3 कॉलम, और सी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो रिजल्ट स्टोर करेगा। और उसके अलावा 2 काउंटर वेरिएबल्स रो एंड कॉलम, रो यूज होगा आउटर फॉर लूप में और कॉलम यूज होगा इनर फॉर लूप में। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रीन इरेज कर रहे हैं, स्क्रीन इरेज करने के बाद फर्स्ट मैसेज आ गया एंटर 9 वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमने यहाँ पे आउटर लूप दिया हुआ है और ये कितनी दफ़ा चलेगा, रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन इक्वल्स टू 2 यानी 0 से 2 तक, क्योंकि रो इंडेक्स हमारे पास 0 1 2 है। और उसके बाद इनर लूप, और ये भी कितनी दफ़ा चलेगा, 0 से लेकर 2 तक हर दफ़ा, यानी जो इनर लूप है वो टोटल आपके पास 9 टाइम्स चलेगा, क्योंकि जब आउटर लूप की वैल्यू 0 होगी तो इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा, फिर आउटर लूप में जब वैल्यू 1 होगी रो वेरिएबल की तो फिर दोबारा से 3 दफ़ा इनर लूप चलेगा, और जब रो वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो 3rd टाइम फिर इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा। तो इनर लूप टोटल 9 टाइम्स चलेगा, और इनर लूप में हमने कमांड दी हुई स्कैन एफ, तो आप जो भी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो ये तमाम तर वैल्यूज़ कहाँ स्टोर होंगी, ए मैट्रिक्स में। तो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके किस तरह से एरे के तमाम तर लोकेशंस को एक्सेस करते हैं, और वहाँ पे चाहें तो कोई डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर अगर वहाँ कोई डेटा स्टोर्ड है तो उसे हम प्रिंट एफ कमांड के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं। तो जब ए मैट्रिक्स में इनपुट कंप्लीट हो जाएगी 9 वैल्यूज़, तो फिर हम नीचे आएंगे और सेम एग्जैक्टली वही हमने कोड एग्जीक्यूट किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी। तो ऊपर जो हमने नेस्टेड फॉर लूप दिया वहाँ पे जो हम इनपुट करवा रहे हैं वैल्यूज वो ए मैट्रिक्स में स्टोर हो रही हैं, और जो ये नेस्टेड फॉर लूप है तो यहाँ पे जो हम 9 वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं वो तमाम तर वैल्यूज बी मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इन दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज को सम करें और 3rd जो मैट्रिक्स सी है उसमें स्टोर करें। तो आइए यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स एडिशन, उसके लिए भी हमने नेस्टेड फॉर लूप सेम यूज किया है। अब स्कैन एफ की जगह पे हमने यहाँ पे
अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज किया है और दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो वैल्यू होगी ए मैट्रिक्स की और इसी तरह से जो फर्स्ट वैल्यू होगी बी मैट्रिक्स की, उनको सम करके सी मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू में स्टोर करेंगे। और जब ये लूप चलता रहेगा तो जो सेकेंड वैल्यू होगी ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की जो सेकेंड वैल्यू होगी वो सी मैट्रिक्स की सेकेंड वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से जैसे ही ये नेस्टेड फॉर लूप कंप्लीट होगा तो दोनों मैट्रिसेस ए और बी का सम मैट्रिक्स सी में स्टोर हो चुका होगा। फाइनली अब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि हम किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आउटपुट शो कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो सेम वही कोड हमने यहाँ रिपीट किया हुआ है कि हम यहाँ पे देखें एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी इज शोन बिलो। उसके बाद हमने ये आउटर फॉर लूप दिया हुआ है, आउटर फॉर लूप के अंदर हमने इनर फॉर लूप को मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखें आउटर फॉर लूप में एक बैक स्लैश एन कोड यूज़ किया हुआ ताकि लाइन चेंज हो। तो ये एग्जैक्ट कोड थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप कि इट इज़ ऑलरेडी क्लियर टू यू। और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए एक बार फिर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो मैसेज आ गया एंटर 9 वैल्यूज़ फॉर मैट्रिक्स ए। तो यानी ये पहला जो हमने नेस्टेड फॉर लूप दिया है इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हैं और हम जैसे ही 9 वैल्यूज़ देंगे तो तमाम तर 9 वैल्यूज़ मैट्रिक्स ए में स्टोर हो जाएंगी। तो वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ, तो ये 9 वैल्यूज़ फर्स्ट मैट्रिक्स में स्टोर होंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो अब हम सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यूज़ देंगे। अब सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यूज़ देखें, हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स शो हो जाएगा। तो ये देखें रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी इज़ शोन बिलो। तो ये जो सी मैट्रिक्स है एग्जैक्टली जो मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद है कि आज का टू डायमेंशनल एरेज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको वन डायमेंशनल एरे या टू डायमेंशनल एरे के टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को लाइक करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।